अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम गज़नफर अली, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड वेलकम टू एम डी कैट केमिस्ट्री क्रैश कोर्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अल्काइंस दैट आर बेसिकली दी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बेसिकली अल्काइंस आर दी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स that containing at least one carbon-carbon triple bond। ये हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें at least one carbon-carbon triple bond होना चाहिए, and the hybridization of the carbons in alkynes is sp, so there is 50% s character and 50% p character in sp hybridization। So in alkynes they are basically the unsaturated hydrocarbons, as the carbons are sp hybridized, so the bond angle in alkynes is 180 degree, and the bond length in alkynes is 1.20 angstrom, and we know that 1 angstrom is equal to 10^-10 meter। The general formula of alkynes is CnH2n-2. This is the general formula for alkynes. So our simplest alkyne is basically ethyne, जिसको हम acetylene भी कहते हैं, it is also known as acetylene। So the general formula of ethyne or acetylene is C2H2। So there are two carbon present in ethyne or acetylene। तो अगर हम n की value 2 place करते हैं तो C2H2 × 2 − 2, तो बेटा ये बन जाता है C2H2, that is basically ethyne or acetylene। So alkynes are the unsaturated hydrocarbons containing carbon-carbon triple bond, bond angle is 180 degree, bond length is 1.20 angstrom, sp hybridization है, CnH2n−2 इसका जनरल फार्मूला है। इनको हम सिंपलेस्ट जो हमारे पास अल्काइन है उसको हम इथाइन या एसिटाइलिन कहते हैं, एंड दिस एसिटाइलिन हैज गार्लिक लाइक अडोर। ये जो एसिटाइलिन है इसकी जो स्मेल है वो गार्लिक लाइक होती है, इट हैज गार्लिक लाइक अडोर। ऑल अदर मेंबर्स ऑफ अल्काइन फैमिली आर कलरलेस एंड अडोरलेस। ये जस्ट एसिटाइलिन है जिसको हम इथाइन भी कहते हैं, ये हमारे पास जो है ये गार्लिक लाइक अडोर होती है। एंड फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ अल्काइंस दैट आर इथाइन, ब्यूटाइन एंड प्रोपाइन, दे आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। बेटा जिसके फर्स्ट थ्री मेंबर्स हैं अल्काइंस के, दे आर इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, वो गैसेस हैं। एंड फ्रॉम कार्बन नंबर 5 टू कार्बन नंबर 12 दे आर लिक्विड्स, एंड देन ऑनवर्ड दे आर सॉलिड्स, कार्बन नंबर 13 टू ऑनवर्ड। एज वी नो डैट अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो अल्काइंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, अल्काइंस वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से हो सकते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपका बेंजीन हो सकता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपका बेंजीन हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है,
ईथर हो सकता है। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, इनमें ये सॉल्वल हो जाएंगे, लेकिन वाटर में पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से उसमें डिजॉल्व नहीं करेंगे, उसमें सॉल्वल नहीं होंगे। फिजिकल पैरामीटर्स की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इनकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ करेगी विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास, कि जैसे जैसे आपके अल्काइंस का मॉलिकुलर मास इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे इनके फिजिकल पैरामीटर्स लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी भी इंक्रीज़ करेगी। नाउ वी डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन इन अल्काइंस। तो हमें पता है इसमें अल्काइंस में sp हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। तो ये जो हमारे पास सिंपलेस्ट अल्काइन है इथाइन, उसके बारे में हम जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखते हैं। बेटा वी नो दैट द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन और एसिटाइलिन इज C2H2। तो इसको अगर मैं लिखूँ स्ट्रक्चर फार्मूला इसका, तो C(CC). दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन जिसको हम एसिटाइलिन कहते हैं। सिंपलेस्ट अल्काइन है आपके पास ये। तो इसमें जो ये वाला कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, ये है कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। ये जो बेटा आपका कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, ये बनता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कार्बन और हाइड्रोजन का, ये sp(s) ओवरलैपिंग से बन रहा है। ये आपकी कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका इसके पास दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ sp(s) ओवरलैपिंग से क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। सिमिलरली ये जो कार्बन है ये भी sp हाइब्रिडाइज है, तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, इसमें भी जो ओवरलैपिंग होगी वो sp(s) ओवरलैपिंग होगी। दिस कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज आल्सो फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp(s) ओवरलैपिंग, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। बेटा ये जो इसमें है ये इसमें पाई बॉन्ड है, एंड वन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 2py एंड 2py अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, एंड वन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 2pz ऑर्बिटल्स। तो इसमें दो पाई बॉन्ड्स हैं, एक पाई बॉन्ड बन रहा है 2py अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, एक पाई बॉन्ड बन रहा है 2pz अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। अब आपका बच गया जी सिग्मा बॉन्ड। ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये जो बेटा सिग्मा बॉन्ड है ये बनता है कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड है आपका। दिस कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन एंड sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन। सो आपके पास ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो हमें पता है sp हाइब्रिडाइजेशन में अगर आप इसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री इसकी लीनियर है। ज्योमेट्री लीनियर है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, ठीक है, इस तरह से 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। सो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच फॉर अल्काइंस, किसमें जो एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है वो बनता है sp(s) ओवरलैपिंग से, एक कार्बन सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बन रहा है sp(s) ओवरलैपिंग से, एक पाई बॉन्ड बन रहा है 2py 2py ओवरलैपिंग से, एक पाई बॉन्ड बन रहा है 2pz 2pz ओवरलैपिंग से, और एक जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड वो बन रहा है sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन एंड sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन से। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेगमेंट, इसमें हम नॉर्मल क्लेचर के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल क्लेचर ऑफ अल्काइंस, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप नेम असाइन करना चाहते हैं तो फॉर्मेट हमेशा जो है नेमिंग का हमेशा यही रहेगा जो अभी मैं लिखने लगा हूँ पैटर्न। सबसे बेटा पहले हमारे पास होते हैं 2° प्रीफिक्स, 2° प्रीफिक्स के बाद आते हैं 1° प्रीफिक्स, 1° प्रीफिक्स के बाद आते हैं वर्ड रूट के बाद आता है 1° सुफिक्स, और 1° के बाद आते हैं 2° सुफिक्स।
ये आपका पैटर्न फॉलो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग में, चाहे वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो टू डिग्री प्रीफिक्सेस आपके कौन से होंगे, ये आपके ग्रुप्स होंगे जिनको हम सब्स्टिट्यूएंट्स भी कहते हैं। इनको सबसे पहले लिखना है आपने। फॉर एग्जांपल आपके पास फिनाइल ग्रुप हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई अल्कोक्सी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से हैलोजन्स में कोई फ्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, आइडो हो सकता है। तो ये आपके क्या हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये ग्रुप्स हैं। तो इनको हमने सबसे पहले लिखना है जब भी हमें नेमिंग असाइन करनी है। तो इसे हम कहते हैं टू डिग्री प्रीफिक्सेस। टू डिग्री प्रीफिक्सेस के बाद आते हैं वन डिग्री प्रीफिक्सेस। ये बेटा आपके पास जो साइक्लिक कंपाउंड्स के केस में हम साइक्लो यूज़ करते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के केस में बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स के केस में बाईसाइक्लो यूज़ करते हैं, स्पाइडो कंपाउंड्स के केस में हम स्पाइडो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। वर्ड रूट क्या होता है, ये बेसिकली हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द प्रिंसिपल चेन, कि आपकी जो प्रिंसिपल चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर सपोज करें आपके पास तीन है आपकी प्रिंसिपल चेन में, तो हम यूज़ करेंगे प्रॉप, चार है तो हम यूज़ करेंगे ब्यूट, पांच है तो हम यूज़ करेंगे पेंट। तो ये आपके क्या हैं, बेसिकली वर्ड रूट्स हैं जो हमें प्रिंसिपल चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में बताएंगे। देन आपके वन डिग्री सफिक्स। वन डिग्री सफिक्स बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, वन डिग्री सफिक्स आपके पास हमें बताते हैं कि आपके जो चेन है उसमें अगर कार्बन कार्बन सिग्मा सिंगल बॉन्ड है तो हम यूज़ करते हैं एन, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम यूज़ करते हैं इन, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हम यूज़ करते हैं आइन। तो ये होते हैं आपके वन डिग्री सुफिक्स। वन डिग्री सुफिक्स के बाद लास्ट पे बचते हैं, उन्हें हम कहते हैं टू डिग्री सुफिक्स। ये टू डिग्री सुफिक्स बेसिकली आपके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके चेन में कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप इसके लिए सुफिक्स यूज़ करेंगे ओ आई सी, ओइक जिसे हम कहते हैं ओइक एसिड्स। अगर कोई एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर कोई एल्डिहाइड ग्रुप है तो आप यूज़ करेंगे ऑल ए एल। अगर कोई कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो आप यूज़ करेंगे ऑन, ठीक है। इस तरह से जो है वो हम, अगर आपके पास सपोज करें कोई अल्कोहल है तो अल्कोहल्स के लिए हम यूज़ करते हैं ऑल, कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए ओइक्स यूज़ करते हैं, ओइक एसिड हम इन्हें कहते हैं। अगर कोई एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है आपके चेन में तो हम लास्ट पे जो लिखेंगे उसका सुफिक्स यूज़ करेंगे, जैसे एल्डिहाइड्स के लिए ऑल यूज़ करते हैं, कीटोन्स के लिए ऑन यूज़ करते हैं, अल्कोहल्स के लिए ओ एल यूज़ करते हैं। तो ये जनरल पैटर्न है, हमें ये सिमिलर रहेगा। अब हम बात करते हैं रूल्स के बारे में। पहला बेटा रूल ये है कि आपने चेन में को इस तरह से नंबरिंग असाइन करनी है कि आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको सबसे छोटा नंबर मिले। नंबर द कार्बन एटम्स इन सच अ वे दैट ट्रिपल बॉन्ड गेट्स द स्मॉलेस्ट और लोएस्ट पॉसिबल नंबर, क्या आपका जो ट्रिपल बॉन्ड चेन में है उसको सबसे छोटा नंबर मिले। देन आपने सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन को देखना है, तो उनको भी हमने छोटा नंबर असाइन करने की कोशिश करनी है। उसके बाद जो सेकंड रूल होता है कि अगर आपके पास सपोज करें चेन में दो दफ़ा ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आप यूज़ करेंगे डाई आइन, अगर तीन बार आया तो हम यूज़ करेंगे ट्राई आइन, चार बार आया तो टेट्रा आइन, ठीक है। अगर आपकी चेन में दो ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो डाई आइन, तीन है तो ट्राई आइन, चार है तो टेट्रा आइन यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास जो चेन है उसमें जो कि आपकी जो चेन है उसमें अगर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, देन आप क्या करेंगे। अगर आपकी चेन में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, अगर तो बेटा वो आइडेंटिकल पोजीशन पे प्रेजेंट है, अगर आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशन पे प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा CH2। तो देखिए यहाँ भी ये फर्स्ट पोजीशन पर है, यहाँ भी ये फर्स्ट पोजीशन पर है। तो ऐसे केस में जहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशन पे होंगे तो आपने क्या करना है, आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस करनी है ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। जब भी आपके पास चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशन पे प्रेजेंट है, एक जैसी पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो आपने डबल बॉन्ड को हमेशा ट्रिपल बॉन्ड पे प्रेफरेंस करनी है, डबल बॉन्ड को हमेशा ट्रिपल बॉन्ड पे प्रेफरेंस देनी है, एक बात तो ये। और जब भी आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आपकी चेन में आ जाएगा तो आपने उसको नेमिंग हमेशा इस तरह से करनी है एल्कीन आइंस,
तो इस फॉर्म में आपने उसको लिखना है कि आपका जो ट्रिपल डबल बॉन्ड है उसको आपने पहले लिखना है, ट्रिपल बॉन्ड को बाद में लिखना है, एल की नाइन की फॉर्म में लिखना है। तो इसके अगर मैं सपोज कर नेमिंग साइन करता हूँ कितने कार्बन हैं, 1, 2, 3, 4, तो इसके लिए हम जो है वर्ड रूट लिखेंगे ब्यूट, ठीक है ब्यूट। उसके बाद आपने इन डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है कहाँ पे है, तो हमें पता है डबल बॉन्ड कहाँ पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो मैं लिख लिया 1 इन। देन आपने ट्रिपल बॉन्ड की बतानी है, ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, तो 3 आइन। तो ये इसका आयूपैक नेम बन गया बेटा, ब्यूट 1 इन 3 आइन, ब्यूट 1 इन 3 आइन। तो यहाँ आपने डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड पे क्या किया, प्रेफरेंस दी है। एक बात आपने ये याद रखनी है। इसके बाद एक और जो है इसके रिलेटेड के, अगर आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है आइडेंटिकल पोजीशंस पे नहीं है, अगर आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशंस पे नहीं है, देन आपने क्या करना है, अगर आपका कोई फॉर एग्जांपल, तो जब भी इस तरह का केस आपके सामने आएगा जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशन पे नहीं है, तो आपने नंबरिंग असाइन करनी है, उसके बाद लोएस्ट हम रूल लगाना है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड को जो पोजीशन मिल रही है प्लस जो ट्रिपल बॉन्ड को पोजीशन मिल रही है, दोनों को सम अप करेंगे, जिसका सम लोएस्ट आएगा उस साइड से हमने नंबरिंग स्टार्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ट्रिपल बॉन्ड को मिल रही है फर्स्ट पोजीशन, तो 1 प्लस डबल बॉन्ड को मिल रही है 3 पोजीशन, तो 1 प्लस 3 हो गया 4, ठीक है। अगर मैं इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो आप देखें डबल बॉन्ड को मिल रही है सेकंड पोजीशन और ट्रिपल बॉन्ड को मिल रही है फोर्थ पोजीशन, तो 2 प्लस 4 कितना होता है 6। तो लोएस्ट सम रूल कहता है कि जिनका सम स्मॉल आएगा हमने उस चेन को सिलेक्ट करना है, तो जिसका जो सम है वो 4 आया है तो हमने वो वाली चेन उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करना चाहूँगा यहाँ से, तो 1, 2 ये वाली आप नहीं चूज़ करेंगे, जो ऊपर वाली है जिसका सम लोएस्ट आया है उसको आपने चूज़ करना है। तो नेम इसका क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं लिखूंगा पेंट जो इसका है वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद आपने लिखना है इन कि आपका डबल बॉन्ड कहाँ पे है, डबल बॉन्ड है फोर थर्ड पोजीशन पे, तो 3 एन। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन, ये इसका आयूपैक नेम बन जाएगा, पेंट 3 इन 1 आइन। तो इस तरह से आपने जो है उसको नेमिंग असाइन करनी है। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट सेगमेंट। सो सबसे पहला जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका नेम देखें, अल्काइन जो आपके पास है, तो आपने बेटा सबसे पहले देखना है कि आपका ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, और आपने ट्रिपल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर असाइन करना है। तो अगर मैं नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करता हूँ तो 1, 2, 3, 4, इसको 4 नंबर मिल रहा है, लेकिन मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ तो इसको नंबर 1 मिल रहा है। इट मीन मुझे नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करनी चाहिए, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो देखिए आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4, तो इट इज़ ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट, तो मैं 1 आइन, इसको मैं ब्यूट 1 आइन कह सकता हूँ, आयूपैक नेम इसका है ब्यूट 1 आइन, या आप इसको 1 ब्यूटाइन भी कह सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में देखें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो, अगर मैं नंबरिंग इधर से स्टार्ट करता हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो आपके ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है 5 नंबर। इधर से स्टार्ट करता हूँ तो ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है फर्स्ट नंबर। हाउएवर आपका यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, इस साइड से नंबरिंग आप स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है 5th नंबर, इस साइड से स्टार्ट करें तो 2nd नंबर मिल रहा है, लेकिन आपने सब्स्टिट्यूएंट पे ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, आपने ट्रिपल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूएंट पे या ग्रुप पे प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो सबसे पहले आपका आएगा 5 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन, तो हैग्स 1 आइन, ये इसका आयूपैक नेम हो गया, 5 मिथाइल हैग्स 1 आइन। अब यहाँ पे देखिए एक ऐसी चेन आ गई है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, दोनों आइडेंटिकल पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो अभी मैंने आपको रूल बताया कि जब आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे, आपने डबल बॉन्ड को हमेशा ट्रिपल बॉन्ड पे प्रेफरेंस देनी है, आपने हमेशा डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड पे प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो 3 मिथाइल,
कार्बन की चेन है तो पेंट, डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है तो वन एन और फोर आइन, ये बेटा इसका यूपैक नेम बन गया। थ्री मिथाइल पेंट वन इन फोर आइन, दिस इज द यूपैक नेम ऑफ दिस एल्काइन। सिमिलरली नेक्स्ट देखें, ये जो है चेन फोर कार्बन की चेन है। अब देखिए जो हमारा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम इथाइन भी कहते हैं, एसिटाइलिन भी हम कहते हैं, तो एक कॉमन नेम भी हम इसका लिख सकते हैं। देखिए इस पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, इधर भी लगा हुआ है मिथाइल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा डाई मिथाइल एसिटाइलिन, इसको हम डाई मिथाइल एसिटाइलिन भी कह सकते हैं, इसको हम डाई मिथाइल एसिटाइलिन भी कह सकते हैं, क्योंकि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इज ऑल्सो नाउन एज एसिटाइलिन। आयुपैक नेम इसका क्या होगा, फोर कार्बन है तो मैं लिखूंगा ब्यूट, नंबरिंग यहाँ से आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, वन टू थ्री और ये फोर, तो टू पे आपका क्या है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, फोर कार्बन की चेन है तो ब्यूट टू आइन, या आप इसको टू ब्यूटाइन भी कह सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैंने आपको कहा है जब भी आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो अनसिमेट्रिकल पोजीशन पे है, यहाँ आप कह लें कि आइडेंटिकल पोजीशन पे नहीं है, देन आपने नंबरिंग किस तरह से असाइन करनी है कि आपका जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन का सम है, पोजीशन नंबर का जो सम है वो छोटे से छोटा है। तो अगर मैं नंबरिंग किधर से स्टार्ट करता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स और ये सेवन, तो देखिए ये सिक्स है ये थ्री है, तो थ्री प्लस सिक्स कितने हुए नाइन। अगर मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो आपका जो डबल ट्रिपल बॉन्ड है वो वन पोजीशन पे और डबल बॉन्ड फोर्थ पोजीशन पे, तो बेटा वन प्लस फोर कितना होता है फाइव, तो आपका लोएस्ट बन रहा है फाइव वाला, तो आपने नीचे वाली चेन सेलेक्ट करनी, ऊपर वाली सेलेक्ट नहीं करनी, ठीक है। कितने कार्बन की चेन है, सेवन की, तो आप लिखेंगे हैप्ट हैप्ट, फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो फोर इन एंड वन आइन, क्योंकि हमने इनको एल्केन आइन की फॉर्म में लिखना होता है ना, तो एप्ट हैप्ट फोर इन वन आइन। नेक्स्ट एक कंपाउंड देखिए, ये एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है, इसमें देखिए आपका ट्रिपल बॉन्ड, अगर आप इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सब्स्टिट्यूएंट को भी सेम नंबर मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को भी सेम नंबर मिल रहा है, तो आप चाहे इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर लें चाहे इधर से स्टार्ट कर लें, मैं इधर से स्टार्ट कर लेता हूँ तो वन, तो इसका नेम है टू सेवन डाइमिथाइल, टू सेवन डाइमिथाइल ऑक्ट, एट कार्बन चेन है तो ऑक्ट, फोर पोजीशन पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है तो फोर आइन, इट इज टू सेवन डाइमिथाइल ऑक्ट फोर आइन। सो दिस इज ऑल अबाउट दी अल्काइंस एंड द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अब जिसमें हम बात करेंगे अल्काइंस की प्रिपरेशन के बारे में। ओके, अल्लाह हाफिज़।